खबर देवरिया से है। क्षेत्र अधिकारी लाइन देवरिया द्वारा सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आम जन में यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता फैलाने के दृष्टिगत यातायात जागरूकता रैली को पुलिस लाइन देवरिया से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सर्दियों में देर रात यात्रा से बचें और वाहन सावधानी से चलाना है आपकी जिम्मेदारी। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, जिम्मेदार बनें, सुरक्षित रहें। सूचना देवरिया से ज्ञानानंद मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। चौकी इंचार्ज ने मकर संक्रांति के अवसर पर किया तहरी का वितरण। मुरादाबाद के थाना कड़गा क्षेत्र के रामपुर दोराहा क्षेत्र मुस्तफाबाद वंडरलैंड पुल के पास मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर काशीपुर तुरहा चौकी इंचार्ज ओम शुक्ला ने तहरी का वितरण किया, जिसमें आज सभी आने जाने वाले ग्राहक गिरोह को तहरी और चटनी अचार का प्रसाद वितरण कराया गया। रामपुर दोराहा चौकी इंचार्ज ओम शुक्ला के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग भी शामिल रहे। जब हमारी टीम ने लोगों से पुलिस के बारे में राय पूछी तो उन्होंने बताया, ऐसे ही चौकी इंचार्ज हर जगह आ जाए तो लोगों की समस्या ही खत्म हो जाए, क्योंकि ओम शुक्ला ऐसे कामों में सबकी मदद करते हैं। कहीं लकड़ी के अलाव जलवा कर लोगों को ठंड से बचाते हैं तो कहीं भूखों को खाना खिलाकर उनकी मदद करते हैं। चौकी इंचार्ज काशीपुर तिराहा ओम शुक्ला के साथ यतेन मिश्रा और सोनू सैनी, लेखराज सैनी, राम कुमार सैनी सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग ने तैरी का वितरण कराया। और ये रह गई एक गुड़िया, ये मिठाई सब ले लो, सबसे ले लो। नाम आपका? मेरा नाम यतीन्द्र मिश्रा है। आज हमारे यहाँ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर इडली का वितरण किया गया। उसमें दुराए चौकी इंचार्ज मुकेश शुक्ला जी ने बढ़ कर के हिस्सा लिया, हम सबका सहयोग किया और बाकी हमारा सबका बहुत बढ़िया इंतजाम में सहयोग किया उन्होंने। अच्छा, बच्चों को खिचड़ी वितरण की उन्होंने? बच्चों को खिचड़ी वितरण उन्होंने किया अपने हाथों से, अपने कर कमलों से। अच्छा, पहले की बात करें तो पहले पुलिस से लोग डरते थे, आज क्या स्थिति है पुलिस की? आज विनोद शुक्ला जैसे अगर इंचार्ज हर जगह हर चौकी मार देंगे तो उससे बढ़िया मैं समझता हूँ कि पब्लिक से जुड़ने का कोई भी पब्लिक नहीं होता। कौन सी जगह पर ये कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है अपना मुस्तफाबाद प्रेम मंडल लाइन के पास। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाए जाने का विरोध लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा। आज चौथे दिन कॉरिडोर के विरोध में लामबंद हुए स्थानीय व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने लामबंद होकर बांके बिहारी मंदिर के आसपास के बाजारों को बंद करा दिया और कॉरिडोर बनाए जाने का विरोध किया। आपको बता दें कि कॉरिडोर का विरोध दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा और लामबंद हुए स्थानीय नागरिक कॉरिडोर का जमकर विरोध करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज चौथे दिन लामबंद हुए लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए बांके बिहारी मंदिर के आसपास के बाजारों को बंद करा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन की संस्कृति एवं कुंज गलियों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि कॉरिडोर का निर्माण स्थगित नहीं किया जाएगा तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कब से रह रही हैं यहाँ पे? काफी दिनों से रह रहे हैं, हमारा जीवन यहीं पे। कितनी उम्र है आपकी? हमारी है 82 वर्ष की। कितने वर्ष की ब्याह के आई थी इस घर में आप? जी हम 18 वर्ष। कॉरिडोर बनने जा रहा है? जी हम नहीं चाहते, हम बिहारी के चरणों में रहना चाहते हैं। बिहारी हमारे हैं और हमारे इसी ने हमारे दो सीआरपी में बच्चे थे, दोनों चले गए आप देश की सेवा करते करते। अब हम कहाँ जाएं आप बताओ इतने बुढ़ापे में? हम यहीं पर रहना चाहते हैं। हमें माफ़ करो जो हमारी
है, हम बहुत दुखी हो गए हैं और हमारे सब बच्चे दुखी हैं और परिवार दुखी है। अब कहाँ जाए जी बताओ है? जी आपसे अनुरोध है कि हम हमारा वृंदावन नहीं जाना, हमारी ये कुंज गलियां नहीं जाना, कान्हा की नगरी थी भगवान जाते हैं। आरती छूट गई हम लोगों की, बिहार जी के दर्शन तक नहीं मिल पाते, बच्चे तक नहीं आ पाते हैं घर पर। गलत है, बहुत ही गलत है। सब ब्रजवासी बहुत ही दुखी हैं, उन जिन्होंने हम सब लोगों ने कितनी खुशी से उनको वोट देके अपने यहाँ का सामने देखो वोट दिया कि चलो हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा सोचेंगे, लेकिन ऐसी नहीं पता थी कि हमारे घर ही टूट जाएंगे। अब उनको ये सोचना चाहिए, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है योगी मोदी जी से कि वो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस उनसे यही हमारी प्रार्थना है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा है तो मंदिर के आगे पीछे थोड़ी थोड़ी जगह है उसको चौड़ा करके पूरा मंदिर की व्यवस्था की जाए। आज तक क्यों नहीं कोई मरा? आज हजार 50 साल 100 साल हो गई, कभी कोई नहीं मरा, केवल जन्माष्टमी पे 2 लोग मर गए, तो बस उसी बात को लेकर मुद्दा बन गया। नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर सब कम, क्या मतलब है मुझे ये बताइए, कॉरिडोर अगर ये बन जाएगा तो ये वृंदावन क्या रहेगा? वृंदावन है कि बम्बई बोलोगे आप? इसको वृंदावन नहीं रहेगा, वृंदावन केवल कुंज गलियों की वजह से ही वृंदावन का प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो ठाकुर जी ने लीला करी है वो कहीं बाहर नहीं की है, केवल कुंज गलियों में ही की है। उसके लिए आपको कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ये, और हमेशा से दर्शन होते हैं बांके बिहारी को कोई याद नहीं, तो व्यवस्था प्रशासन की गलती से ये हुई है, हमारी गलती से या गोस्वामियों की गलती से कुछ भी नहीं हुआ है। अब मेरे तो आपसे, मेरी मोदी जी से, योगी जी से यही प्रार्थना है कि कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और हमारी 70-80 साल की उम्र हुई, 500 गज हमारी जगह पुरानी है, ये बताइए अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा 45 साल का बच्चा गुजर गया, 3 उसके बच्चे हैं, एक लड़का 3री में पढ़ रहा है, एक लड़की बड़ी लड़की हाई स्कूल में, एक 6 में, हम कहाँ जाएंगे? कौन है हमारा देखभाल करने वाला? क्या हमको भी मतलब बच्चा गया तो हम मतलब आपका मतलब यह है कि योगी जी मोदी जी का कुछ व्यवस्था हमारे लिए सोचते वो तो बात नहीं, और हमारे घर और सबको उजाड़े दे रहे हैं, ये बात बहुत गलत है। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि कॉरिडोर वृंदावन को छेड़ना नहीं चाहिए, वृंदावन का मतलब ही खत्म हो जाएगा, आप वृंदावन नहीं कहोगे आप उसको। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है, भाजपा नेत्री ने किया खिचड़ी सहभोज का आयोजन। देवरिया जिले के बड़हरा ग्राम सभा में मकर संक्रांति के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य रजनी पांडे ने अपने ग्राम सभा बड़हरा में खिचड़ी सहभोज का आयोजन कर लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति मनाया जा रहा, जिसको देखते हुए मैंने भी अपने जन्मभूमि पर सभी के साथ मिलकर मकर संक्रांति मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी एवं कई ग्राम सभा के लोग शामिल हुए। पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की नेता, हम लोगों की बहन रजनी पांडे जी को इस पुनीत काम को करने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने इस बस्ती में, जहां जो ये मलिन बस्ती है, सुदूर जगह है, यहाँ हर वर्ग के लोगों को सहभोज कराने का निर्णय लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंडल से लेकर जिले स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, और आज के दिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाई और बुजुर्ग चाचाओं को शुभकामनाएं देता हूं, और यह उम्मीद करता हूं कि ये आने वाला साल आप लोगों को खुशियां दे और आप लोग उन्नत के मार्ग पे चलें। और फिर हम एक बार बहन रजनी पांडे जी को बधाई देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबको पता है, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि सबको पता है कि आज मकर संक्रांति का पर्व है, और इस पर्व पर जगह जगह खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही आज हमने अपने गांव बड़हरा में एक दलित बस्ती में खिचड़ी भोज का आयोजन किया है, जो यहाँ की योगी वीर बाबा महाराज का एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें हम अपने गांव से लेके हम अपने जितने मंडल हैं, बूथ हैं, यहाँ के सारे जो भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। जिले के पदाधिकारी भी इसमें आ रहे हैं, और बाकी जो भी हमारे समाज के लोग हैं जो इससे जुड़ रहे हैं वो सब आज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और इसमें
इस कार्यक्रम में जितने लोग उपस्थित हों उतना हमारे लिए गौरव की बात है, और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब भी यहाँ आए हैं और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। देवरिया से ज्ञानराम मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। सांसद ने कहा कि कॉरिडोर के निर्माण में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। 7 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण वृंदावन की आज सबसे बड़ी जरूरत है। कॉरिडोर निर्माण से वृंदावन में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा एवं व्यापार भी बढ़ेगा। उन्होंने स्थानीय लोगों के दुख को समझते हुए कहा कि कॉरिडोर निर्माण से किसी का नुकसान नहीं होगा। कॉरिडोर निर्माण के दौरान मंदिर के सेवायत गोस्वामी, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। कॉरिडोर का निर्माण उच्च न्यायालय के निर्देश में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनाने से हर व्यवस्था एक मानक तरीके के संचालित होगी। बनारस उज्जैन के नाम से जाना जाता है, मेरा हर शहर एक मंदिर के नाम से जाना जाता है। चाचा ने साइलेंट कर लो, यहाँ की मैम, ये शहर जो भी शहर कॉरिडोर बने हैं वो पर्टिकुलर शहर मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, एवं वहाँ और यहाँ की परिस्थिति एकदम भिन्न है, और वहाँ और यहाँ की पूजा पद्धति भी बहुत भिन्न है। वहाँ ज़्यादातर दर्शन के लिए मंदिर में कपाट खुले रहते हैं, उनका टाइम ज़्यादा होता है, दर्शन की टाइमिंग ज़्यादा होती है, पर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। हमारे ब्रज में ठाकुर जी की सेवा बाल रूप में ही होती है और होती आई है। हम सब दर्शनार्थियों, एक लाइन और रहनी, हम सब दर्शनार्थियों से अपील भी करते हैं कि ब्रज में ब्रज के कल्चर के हिसाब से ही आए। हम सब दर्शनार्थियों से अपील भी करते हैं कि ब्रज में ब्रज के कल्चर के हिसाब से, ऐसा कह रहे हैं, उनका अपना विचार है, लेकिन वो हमें भी, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे। उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। जो कॉरिडोर बनने वाला है उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको जगह मिलेगा, सबको, व्यापारियों को भी सुविधा होगी, और पब्लिक के लिए जो आना जाना जो है, जो दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सेफ और सिक्योर रहे, ये सबसे ज़्यादा महत्व है। मैम, कम्युनिकेशन गैप नहीं लग रहा है कि जिस तरह से अधिकारी और लोगों में बात नहीं होती है, और कई साधु संत भी इस बात को कह रहे हैं कि कभी भी डेवलपमेंट होता है उसको लेकर के कभी चर्चाएं नहीं की जाती हैं। चर्चा करें तो सब लोग, हमेशा चर्चा करके किया जाता है, सरकार ऐसे थोड़ी कुछ भी करते हैं, तो जब करने लगते हैं तभी सबको मालूम पड़ता है, तो अपना अपना विचार रखते हैं और उसे सुनाया भी जाता है। मैम, उद्यमियों से आपने मुलाकात करी, बजट आने वाला है, क्या उन्होंने समस्याएं रखी थी? हम चाह रहे थे कि मथुरा के विकास के लिए मथुरा में क्या क्या होना चाहिए, नॉट पर्सनल सेल्फ के लिए नहीं, जनरली पूरा मथुरा में क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन आप लोग कह सकते हैं, तो उसके लिए मैं बजट लेकर आऊँ। इस विषय में मैंने उनको सबको बुलाया, उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। उसमें सबसे ज़्यादा महत्व ये था कि GST के विषय में बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने फील किया, जो टैक्स भी देना पड़ रहा है, GST, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। इन सब चीज़ों को मैंने नोट किया है, और हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारामन को सब जाकर देने वाली हूँ। सो पहली तारीख से जो बजट बोलेंगे उससे पहले ही मैं दे दूँगी, ताकि उसके विषय में भी वो सोचेंगे जरूर। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत की सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही मौत की सूचना मिली, तुरंत ही पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही मझोला पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों ही पति पत्नी मंदिर से पूजा करके लौटते थे। मामले की सूचना मिलने के बाद मुरादाबाद SSP हेमराज मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को मामले की गहनता से जांच के आदेश दे दिए। देखिए, आज करीब 9:30 बजे के आसपास में UP 112 सूचना मिली कि थाना जो मझोला है, इसमें गायत्री नगर के अंतर्गत दो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सुसाइड कर लिया है। इसी पे यहाँ पे जो UP 112 की टीम और हमारी थाना मझोला की टीम, क्षेत्राधिकारी
सिविल लाइन एसपी सिटी साहब और मेरे द्वारा जो घटनास्थल पर यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पे एक रवि पुत्र रामचंद्र हैं और उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा सुसाइड की जानकारी इनके द्वारा दी गई थी। घटनास्थल का फिर यहाँ मुआयना किया गया है और इसमें जो सभी चीज़ों की इसमें जाँच पड़ताल आगे की गई है। बहस तो कोई विवाद वाली बात हमें पता ही नहीं चली, सब सही था, मगर यही सूचना मिली हमें कि यह अनहोनी हो गई। हमारे फुफेरे भाई रहते हैं यहीं पर पास में ही घर है, उन्होंने फोन करके बताया था। क्या बताया था? बोले तुम लोग आ जाओ, ऐसे ऐसे इन लोगों ने फांसी लगा ली है। दोनों लोग फांसी लगा? हाँ। किसी को? हाँ सक है, बहन के देवर पर सक है। मैं ये कह रही हूँ जब वो घर आता हमने पहले से क्यों न की बार तोड़ी, जब जब वो घर जब हमारे फुफेरे भाई यहाँ पर आए हैं तो वो यहीं पर था लड़का और वो दोनों अंदर थे, तो उसने कोशिश नहीं की बचाने की। इन्हें पहले से क्यों न की बार तोड़ी? कैसे बचाने की, कैसे कोशिश? ये दरवाजा तोड़ के जाते हैं अंदर, खिड़की तोड़ के जाते हैं अंदर, खिड़की पर किवाड़ नहीं है, केवल जाली लगी हुई है। मम्मी को तो फोन कर रहा बार बार, मम्मी केवल जाली लगी हुई है, जाली तो वैसे भी टूट जाती है घूसा मारने से। अरे जरा सारा नुकर के पैर ही खराब, मेरे सामने वो वैसे किवाड़ खुल गई, वैसे किवाड़ खुल गया, वो बुआ बता रही है खुल गई। अगर वो कोशिश करते दरवाजा भी खुल जाता। पहले से क्यों ना खोली उनने? बिल्कुल पक्का सके। क्या नाम है उनका? पुष्पेंद्र। क्या करते हैं? नशेड़ी हैं, कुछ नहीं करते। मुरादाबाद से रहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्मभूमि जन जागरण यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा ब्रज मंडल में जन जागरण अभियान करके आम जनमानस को जोड़ने का कार्य करेगी। इस यात्रा के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मभूमि जन जागरण यात्रा के संयोजक धर्मेंद्र गिरी महाराज का कहना है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू की गई श्री कृष्ण जन्मभूमि जन जागरण यात्रा पूरे ब्रज मंडल में सभी स्थानों पर भ्रमण करेगी और घर घर जाकर आम जनमानस को जागृत करने का काम करेगी। उनका कहना है कि 14 जनवरी से शुरू हुई इस यात्रा का 14 अप्रैल को समापन होगा। इस 4 माह के दौरान अपने लड्डू गोपाल के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आम जनमानस को जोड़ने का आह्वान किया जाएगा। उनका कहना है कि यह यात्रा पूरे ब्रजमंडल में अलख जगाने का कार्य करेगी। उन्होंने आम जनमानस से भी इस यात्रा में भाग लेने की अपील की है। इस यात्रा के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए आह्वान किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट को इस मिल रहे अपार जन सहयोग, पूज्य संतों के सहयोग और आशीर्वाद से हमें ये सारा विषय हमारे मनमस्तिष्क में बैठ गया है कि यह आंदोलन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की भांति, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन दुनिया के 114 देशों तक जाता है या 186 देशों तक जाने वाला है। कार्यक्रम अनुसार 14 जनवरी ऐसा एक जन जागरण अभियान लेकर के उस परिक्रमा के साथ भगवान श्री के चरणों में आह्वान करते हुए, निवेदन करते हुए, जैसा अभी हमारे माननीय संयोजक जी ने बताया कि ये जन जागृति यात्रा है और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को जो वहाँ विवादित ढांचा है उससे मुक्त कराने के लिए हम संवैधानिक प्रक्रिया में भी गए हैं और हम धार्मिक प्रक्रिया जो हमारे संतों की प्रक्रिया है कि जन जन तक जागरण करना और अपने धर्म के प्रति उनको जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। उसी आधार पर हम मथुरा में पूरे ब्रज क्षेत्र में घर घर जाएंगे और भिक्षा रूप में हम मांगेंगे कि हमारे देव आराध्य भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण हो। यह यात्रा कब से शुरू होगी और इस यात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य है? यह यात्रा कल दानघाटी मंदिर 14 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है। कल हमने परिक्रमा की, हमारे साथ लड्डू गोपाल जी हमारे साथ में जो रथ है उसमें विराजमान हैं और देव आराध्य को पूरे ब्रज में हम लेके घूमेंगे और जन जन तक दर्शन कराएंगे। उसके बाद ये यात्रा 14 अप्रैल 2023 को जन्मभूमि पहुँच के वहाँ दर्शन करेगी। उसके बाद आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो हमारी राष्ट्रीय टोली निर्धारित करेगी। कल महाराजी वृंदावन गोवर्धन में इसकी परिक्रमा का विरोध हुआ था, प्रशासन ने आगे नहीं जाने दी परिक्रमा में यात्रा? देखिए उसको हम विरोध नहीं कह सकते क्योंकि शायद संवैधानिक कोई वहाँ कानून ऐसा है
कि एनजीटी का हमको बताया गया था कि परिक्रमा में रथ अंदर नहीं जा सकता, तो हमको इसकी जानकारी नहीं थी, तो हमने ई रिक्शा से अपना कार्य पूरा किया और उसमें प्रशासन की तरफ से कोई हमें रोक टोक नहीं हुई। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। वृंदावन के गांव राजपुर में एक अज्ञात युवक के शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। साथ ही घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई, जिसकी टीम द्वारा जांच की गई, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शव को हत्या कर फेंका गया है। घटना की सूचना देते हुए सीओ सदर प्रवीण कुमार मलिक ने बताया कि शव को देखने से पत्थर से सर कुचलकर फेंका जाना लग रहा है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जांच की जा रही है, घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। ये सूचना मिली थी लगभग 9:15 के आसपास में, तो यहाँ जो पानी की टंकी है राजपुर की, यहाँ पर एक व्यक्ति के सर कुचला हुआ है। मौके पर हम लोग आए हैं, फील्ड यूनिट भी आई है। प्रथम दृष्टया देखने पर लग रहा है कि किसी ने जो वहाँ पड़ा हुआ पत्थर है उससे उसके सर को कुचल दिया है और उसकी मृत्यु हुई है। और देखने से भी वो व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे जो परिक्रमा मार्ग पर जो भिखारी या इस तरह के जो लोग रहते हैं उस तरह का है। शिनाख्त कराई जा रही है और जो भी मीडिया से भी अनुरोध है कि उसकी पहचान की जाए और हम लोग पोस्टमार्टम करा के अग्रिम नीतिक कार्रवाई करेंगे। कितनी टीमें आपके द्वारा लगाई गई हैं? अभी हम लोग इसमें टीम फॉर्म कर रहे हैं। एक टीम सीसीटीवी देखेगी और 3 टीमें हमारी इसके मैनुअली चेक करेंगी। पूरे वृंदावन क्षेत्र में इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर कोई सूचना देता है इसके बारे में। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।